प्रभु यीशु में भाइयों बहनों को शांति हो। आज का जो हमारा वचन है वो है मत्ती की पुस्तिका, उसका छठा भाग और उसकी 33वीं आयत, मत्ती 6:33, जिसमें कहते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्मीपने की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी, खुद मिल जाएगी, ऐसे परमेश्वर कहते हैं। उसकी एक कंडीशन दी गई है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्मीपने की खोज करो। सारी वस्तुएं पाने के लिए एक सीक्वेंस दी गई है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि हमें किस चीजों की, किस बातों की आवश्यकता है। मत्ती 6:8 में क्या कहते हैं, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हें मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या क्या आवश्यकताएं हैं। मतलब पिता हमारा जानता है हमें क्या चाहिए, वो तो पहले से ही, हमारे जन्म से पहले उनको सब पता होता है कि हमें क्या क्या वस्तुएं चाहिए। अब वो वस्तुएं अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना है, एक सीक्वेंस दी है, एक क्रम दिया गया है। जैसे सारी चीज़ों के लिए एक क्रम होता है, हम पढ़ाई करते हैं तो पहले नर्सरी में जाते हैं, फिर किंडरगार्टन, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड, थर्ड, और ऐसे होते होते हम इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, अलग अलग चीज़ें रहता है। जैसे अगर आपको स्विमिंग सीखना हो या म्यूज़िक सीखना हो तो पहले उसका क्रम होता है, पहले बेसिक चीज़ें सीखी जाती है, फिर उससे ज़्यादा, जैसे संगीत का हम एग्जाम्पल ले तो पहले सुर सीखे जाते हैं, फिर सरगम सीखी जाती है, फिर जाके गाना सीखा जाता है, फिर गाना खुद कंपोज करना हमें आने लगता है। स्विमिंग में भी पहले सीधा ही 50 फीट की गहराई में नहीं डाल देते, पहले 3 फीट पे होता है, फिर 5 फीट पे होता है, ऐसे होते होते फिर आगे बढ़ते हैं। पहले ही दिन अगर 50 फीट में डाल दिया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी एक क्रम दिया गया है कि पहले क्या करना है, परमेश्वर के राज्य और धर्मीपने की खोज करनी है। परमेश्वर का राज्य हम किसको कहेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर तो हमें कहीं ऐसा कोई देश हमें पता नहीं है जिसका नाम परमेश्वर का राज्य हो। तो परमेश्वर का राज्य, पौलुस क्या कहता है, रोमन्स 14:70 में पौलुस क्या कहता है जरा देख ले, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और शांति और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य क्या है, खाना पीना तो नहीं है, पर क्या है, धर्म मतलब धर्मीपना, मेल मिलाप मतलब शांति, और पवित्र आत्मा का आनंद, आनंद जो पवित्र आत्मा से हमें हमारे हृदयों में रहता है। जैसे फिलिपी में हम देखते हैं कि सदा आनंद करो। सदा का क्या मतलब होता है, दिन रात, सुबह दोपहर शाम, हर साल, हर एक पल, हर एक पल आनंद करने के लिए बात कहते हैं। ये धर्मीपना या धर्म क्या होता है, हम धर्मी कैसे ठहरे गए, प्रभु यीशु पे भरोसा रखने के द्वारा हम धर्मी ठहरे गए। उन्होंने हमारे पापों से हमें मुक्त किया और हमें धर्मी बनाया। हम हमारे खुद पे तो धर्मी बने नहीं, हमारे कार्यों से हम धर्मी नहीं बने, पर प्रभु यीशु पे भरोसा करके हम धर्मी बने। तो सबसे पहली बात, धर्मी होने के लिए भी प्रभु यीशु को खोजो, प्रभु यीशु को अपना के जब हम उद्धार पाते हैं तब प्रभु यीशु हमारा धर्मीपना बनता है। धर्मीपना वो है जो हम अंदर है और हम बाहर है, आंतरिक जीवन और बाह्य जीवन, जो हम लोगों के साथ जीते हैं और हम अंदर से जो है वो दोनों एक समान होना चाहिए। हम बाहर लोगों के साथ जो जीते हैं वही हमारे भीतर होना चाहिए। भीतर का काम प्रभु यीशु करते हैं, बाहर का काम हमें करना है, क्योंकि हम प्रभु यीशु का उजाला है। हमें लोग देखते हैं तो प्रभु यीशु को देखने चाहिए। हमारे कार्यों के द्वारा लोग समझ लेते हैं कि ये किसका पुत्र है या किसकी पुत्री है, हमारा पिता कौन है, हम किस राज्य से है, वो हमारे कार्यों के द्वारा दिखना चाहिए। जैसे किसी का पिता पेंटर होता है, ड्राइंग करता है, या किसी का पिता अच्छा संगीत बजाता है, तो उसके गुण उसके पुत्र में होते ही है। तो जब बच्चा छोटा होता है तब भी से पता होता है कि इसका पिता इस तरह की कोई खूबियों के साथ होना चाहिए। वैसे ही जब हमारे कार्य लोगों के मध्य में देखा जाता है तब लोग समझते हैं कि इसका पिता प्रभु यीशु है। कार्यों के द्वारा हम लोगों को दिखाते हैं कि हमारा पिता प्रभु यीशु है। हम सांसारिक जीवन नहीं जीते, हम प्रभु यीशु के बच्चे होके उसके साथ जीवन जीते हैं। दूसरी बात, यहाँ रोमन्स में क्या कहते हैं, शांति। पहली शांति प्रभु यीशु ने
हमारे परमेश्वर पिता के साथ करवाई, हम लोग सुलह में आए। मनुष्य जाति और परमेश्वर पिता के बीच में पहली बार शांति हुई है। वो शांति वो हमारे मनों में रखते हैं, जो शांति हमारे दिलों में है। बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, पर हमारा मन हमेशा शांत रहता है। कभी अच्छे दिन होते, कभी बुरे दिन होते, कभी तकलीफ में होते, कभी खुशी में होते। और जब तकलीफ में होते तभी हमारी शांति पहचान में आती है, कि जब तकलीफ में होते तो हम पैनिक नहीं हो जाते, हड़बड़ा नहीं जाते, हम टेंशन में नहीं आ जाते, पर हमारा मन शांत रहता है, क्योंकि हमें भरोसा है प्रभु यीशु के ऊपर। प्रभु यीशु हमारे जीवन में जब आते हैं, तब वो उसकी शांति हमारे जीवनों में रखते हैं, और तभी हमारा मन जो है वो विचलित नहीं होता। वो दूसरी शांति है। तीसरी शांति है हम जो लोगों के साथ रखते हैं। वो बाहर जाते हैं तो लोगों के साथ किस तरह से हम शांति रखते हैं, जैसे प्रभु यीशु हमें कहता है कि तुम्हारे दुश्मन को भी प्यार करो, तो हम तो शायद हमारे नॉर्मल लोगों को भी डांटते रहते हैं, सबके साथ झगड़ा करते रहते हैं, पर हमारी शांति सब लोगों के साथ भी होनी चाहिए, तभी जाके पूरी शांति हमें प्राप्त हुई है वो दिखेगा। तीसरी बात है पवित्र आत्मा से जो आनंद हमें मिलता है। वो जब हम धर्मी हो जाते हैं, जब हमारे में शांति आती है, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि हम बड़े दुखी हो गए, बड़े ही ऐसे बोरिंग टाइप हो गए और बहुत ही जैसे लंबा मुड़ करके घूमते रहते हैं, पर परमेश्वर अपना आनंद हमारे अंदर रखता है, जिस आनंद की वजह से हम हमेशा ही खुश रहते, कोई भी स्थिति हो, पर हम हर स्थिति में खुश होते हैं परमेश्वर की शांति के द्वारा, उसके आनंद के द्वारा, क्योंकि हमारा पिता राजाओं का राजा और परमेश्वरों का परमेश्वर है। हमारा पिता सबसे ऊपर है, तो हमें किस बात की दुख, हमें किस बात का डरना, क्योंकि हमारे मरने के बाद भी हम तो परमेश्वर के पास ही जाने वाले हैं। परमेश्वर के आत्मा का आनंद हमारे मनों में रखता है। ये चीजें हैं परमेश्वर का राज्य। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के राज्य को खोजना है, उसके बाद सारी ही चीजें जो हमें जरूरत है वो परमेश्वर हमें दे देता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमें किन चीजों की आवश्यकताएं हैं। दुनिया की सारी चीजें आवश्यक है, पढ़ाई लिखाई आवश्यक है, काम करना आवश्यक है, खाना पीना आवश्यक है, लोगों से मिलना आवश्यक है, दुनिया का ज्ञान लेना वो आवश्यक है, परंतु परमेश्वर का वचन यह कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य को और धर्मीपने को खोजो, तब ये सारी ही चीजें तुम्हें मिल जाएगी। प्रायोरिटी हमारी किस बेस पे है? क्या हमारे पास कुछ भी ना हो फिर भी हम खुश है? क्या हमारा डिपेंडेंसी, हमारा आधार किस चीजों पे है? परमेश्वर के राज्य और धर्मी बने पे, या जगत से जो हमें मिला है उन चीजों पे, हमारे नॉलेज पे, हमारी पढ़ाई पे, हमारे धन पे, हमारे लोगों पे? हमारा आनंद परमेश्वर में हो, परमेश्वर हमें अपना प्रकाश दे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि सारी चीजें जो तुम्हें आवश्यक है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। आइए प्रार्थना करें। ऐ हमारे पिता, आपके राज्य को और आपके धर्मी बने को खोजने के लिए आपकी कृपा हम पे कीजिए प्रभु। हमारा आधार, हमारी प्रायोरिटीज किन चीज़ों पे है वो हमें दिखाइए। हमारे आत्मा का परीक्षण करने के लिए